नमस्कार। आज के इस स्पीक मेके के ऑनलाइन पटल पर हमारे बीच एक ऐसी विराट शख्सियत मौजूद हैं जिनका आज हम स्वागत कर रहे हैं, जिनकी प्रतिभा इतनी बहुआयामी है कि हम अंदाज नहीं लगा सकते, जिनका हमें और छोर नहीं मिलता। संगीत, पत्रकारिता और न जाने क्या क्या, लेकिन जो मृणाल पांडे जी हमारे बीच में हैं, अगर उनके सिर्फ लेखन की बात करें तो हम पाते हैं कि उनकी लेखनी में ऐसी कोई विधा नहीं है जो छुई ना हो, और जिसको छुआ हो अपनी लेखनी के पारस से उसको कुंदन ना बना दिया हो। तो ऐसी बहुमुखी बहुआयामी प्रतिभा हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही एक और मैं आपको बात जोड़ देना चाहता हूं कि हमारे बीच जो मृणाल पांडे जी हैं उनके बारे में बाकी बातें तो हमारे अमित झा बताएंगे, लेकिन एक हुनर, एक कला उनके पास और है जिसकी झलक हमने थोड़ी सी पाई है, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वो कला है जो लुप्त प्राय हो रही है, वो कला है बतकही की कला, जिसे हम आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। और जब आप मृणाल पांडे जी को सुनते हैं तो बस सुनते रह जाते हैं, सिर्फ सुनते रह जाते हैं, ऐसा प्रवाह, ऐसा सम्मोहन है उनकी बतकही में। आज उनकी बतकही का हम आनंद लेंगे। और इससे पहले मैं अमित झा से कहूं, उनके ही एक उपन्यास से हम दो पंक्तियां से स्वागत करना चाहेंगे। उपन्यास है सहेला रे, और उसकी पंक्तियां हैं, हम तो मरकर भी किताबों में रहेंगे जिंदा, हम तो मरकर भी किताबों में रहेंगे जिंदा, गम उन्हीं का है जो मर जाएं तो गुजर जाएंगे। आदरणीय मृणाल पांडे जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब अमित जी से कहते हैं कि आदरणीय मृणाल पांडे जी का जीवन परिचय पढ़ें और वार्ता आगे बढ़ाएं। अमित झा जी, धन्यवाद तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की हमारी अतिथि आदरणीय श्रीमती मृणाल पांडे जी का परिचय तो इतना विशद है कि यहाँ उसको प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है, फिर भी आपका एक संक्षिप्त परिचय हम आपके सामने पेश करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमती मृणाल पांडे जी का जन्म वर्ष 1946 में सुप्रसिद्ध लेखिका पद्मश्री शिवानी जी एवं शिक्षाविद श्री सुखदेव पंत जी के घर टीकमगढ़ में हुआ। आपकी स्कूली शिक्षा नैनीताल तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, जहां पर आपने संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा प्राप्त की। आपने जाने माने गुरुओं से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन सीखा तथा वाशिंगटन डीसी के कोरकोरैन स्कूल ऑफ आर्ट से ड्राइंग, डिजाइन एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर की शिक्षा ली। मध्य 80 के दशक में पत्रकारिता के क्षेत्र में अवतरण से पूर्व मृणाल जी ने इलाहाबाद और दिल्ली में अध्यापन भी किया। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया व हिंदुस्तान टाइम्स की समूहों के वामा तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे पत्रिकाओं का भी संपादन किया। विजुअल मीडिया में आपका पदार्पण NDTV तथा भारत के राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल में एंकर के रूप में हुआ। वर्ष 2000 में आपने प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबार हिंदुस्तान में मुख्य संपादक के तौर पर भारत में प्रथम महिला मुख्य संपादक होने का गौरव प्राप्त किया। साथ ही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की प्रथम महिला सेक्रेटरी जनरल होने का भी श्रेय हासिल किया। आप भारतीय महिला पत्रकारों के संगठन इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर की संस्थापक अध्यक्षा भी हैं। मृणाल पांडे जी भारत में बिल्ड एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा नेशनल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की सदस्य भी रह चुकी हैं। मृणाल जी असंगठित व अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों की स्थिति पर भारत में सर्वप्रथम दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले श्रम शक्ति ग्रुप की सदस्य रही हैं। वर्ष 2009 में अवकाश ग्रहण के पश्चात आपने 2010 से 2014 तक
प्रसार भारत के प्रसार भारती पद को सुशोभित किया है। वर्तमान में आप नेशनल हेराल्ड ग्रुप की संपादकीय सलाहकार तथा वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मानद सदस्य होने के साथ साथ द मीडिया फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं। आप हिंदी व अंग्रेजी में समान रूप से लेखन करती रही हैं, जिसमें उपन्यास, कथा, नाटक तथा स्त्री संबंधी विषयों पर लेखन शामिल है। आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप दिल्ली में अपने पति व दो बेटियों के साथ रह रही हैं और पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। जैसा मैम जैसा कि आज का विषय संगीत और भाषा से संबंधित है, तो मैं आपसे हमारा आपसे प्रश्न ये है कि क्या ये संभव है कि हम ये पूरी वार्ता हिंदी में करें? मैं इसका पूरी तरह से स्वागत करती हूँ। दरअसल हमारे यहाँ एक ये बड़ी कमी मुझे खटकती है कि जब हम विशुद्ध हिंदुस्तानी बात चीज़ों पर बातचीत करते हैं, जो कि हमारी भाषाई परंपरा से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, तो हम कई बार अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं जो नाकाफी होता है। बहुत अच्छी अंग्रेजी जो जानते हैं वो भी एक तरह से उस भाषा को अपर्याप्त पाते हैं। ये अपने सहेलारे उपन्यास का तिवारी जी ने जिक्र किया, मैं उससे एक छोटा सा अंश पढ़ के इसके बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहती हूँ। ये एक पत्र है जो मेरी ही उम्र के एक बुजुर्ग एक अपने से अगली पीढ़ी की लड़की को लिख रहे हैं। हाल में हमारे ज्येष्ठ पुत्र शांटुल की तीसरी सौभाग्यवती ने हमको नेक सलाह दी कि बाबा आप अंग्रेजी में लिखिए। वजह यह नहीं कि वो मेरी अंग्रेजी का लोहा मानती है, बल्कि यह है कि उसकी पूंजीवादी दृष्टि से किताब भली हो या बुरी अगर विवाद उपजाने की गारंटी देती है तो प्रकाशक सर आंखों पर लेंगे और लेखक की तगड़ी एडवांस रॉयल्टी तो फिर कहीं गई नहीं। इसीलिए माँ बाप भी बच्चों को हिंदी, बंगला वगैरह की बजाय अंग्रेजी में लिखने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने कहा बहू माँ, रॉयल्टी को मारो गोली, इस उम्र में न डॉलर न रुपया धेला ओढ़ भी नहीं सकता, बिछा भी नहीं सकता। बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी के मार्फत उस पूरे माहौल से पाठकों का परिचय करवा पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। हमारी हिंदुस्तानी एक रंग बिरंगी जिंदा दिल पोशाकी जुबान है, उसे जबरन अंग्रेजी का टकोट और हिनाना उसे कार्टून बना देगा। अय हय, ये तो हद्दू खां साहब की गमक की तान है। अरे वारी जाऊं इस अदायगी में एन मैन पटियाले के फैज मोहम्मद की छव है। वाह क्या रंगीली फिरत है जी ये राज्य। गुणी जनों के कंठ से निकले, बेसाख्ता निकले इन शाब्दिक उच्छ्वासों की क्या कोई अंग्रेजी अदायगी संभव है? इस सवाल के साथ फिर मैं आपसे कहती हूँ आप अपने सवालों की शुरुआत करें। ये मेरा एक तरह से इस विषय पर हिंदी में बातचीत करने का स्पष्टीकरण। जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम। सबसे पहले जो पहला जो प्रश्न है उत्सुकतावश, हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी हम लोग खुद इंटरनेट से जुड़े हुए समागम कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमारा सवाल ये है कि इंटरनेट वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते संगीत की पहुंच विश्व और देश और विश्व के हर कोने में बढ़ गई है, पहुँच गई है। साथ ही संगीत में एक संकरण या मिलावटीपन की एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रहा है। इससे मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरा प्रकाश डालें कि क्या है, किस तरह से ये हमें प्रभावित कर रहे हैं इस चीज। देखिए मैं दो तीन बुनियादी चीजें संगीत के बारे में कहना चाहती हूँ यहाँ पर, जो कि आमतौर से कहीं सुनी या पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पुराने जमाने की बूढ़ी पंथी बातें हैं। लेकिन इनका संगीत के बुनियादी स्तर से, चाहे वो संकरित संगीत हो, चाहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, किसी भी देश का संगीत हो, पहली चीज तो ये है कि संगीत में स्मृति का बहुत बड़ा महत्व है। परंपरा स्मृति से ही चलती है, संगीत में लिपि से नहीं चलती है, और लिपि में लिख करके संगीत को समझ पाना असंभव है, खासकर शास्त्रीय संगीत को, क्योंकि उसमें उपज का बहुत बड़ा महत्व होता है। उपज यानी जो
व्यक्तिगत रूप से संगीतकार अपनी ओर से राग विशेष में डालता है। अब स्वर तो सात हैं, ब्रह्मा भी आठवां स्वर नहीं बना सकते हैं। पाणिनि ने एक बार कहा था कि हम किसी भी व्याकरणाचार्य से नया शब्द बनाने के लिए या किसी भी संगीतज्ञ से नया स्वर बनाने के लिए नहीं कह सकते हैं, जैसे कि हम कुम्हार से कह सकते हैं कि भैया तू एक नया घड़ा बना दे, क्योंकि लोक प्रमाण है। संगीत जो है, संगीत और कलाएं जो हैं, वो लोक धर्मी हैं, लोक से वो उपजी हैं और इसलिए उनकी वाचिक परंपरा से बहुत गहरा जुड़ाव है। कंठ संगीत का तो बहुत ही गहरा जुड़ाव है। हमारे यहाँ संगीत की दूसरी चीज ये है कि आज हम बातें करते हैं रागदारी गायकी की मुख्यतया, उसमें भी ख्याल गायकी की, लेकिन रागदारी गायकी ही एक प्रकार नहीं है, हमारे यहाँ अनेक प्रकार की गायकियां हैं। सबसे पहला जो ग्रंथ हमको मिलता है मतंग का, उसका नाम बड़ा रोचक है, बृहद्देशी। बृहद्देशी क्यों? ब्रह्मण माने फैलना, देशी माने जो देशी अपनी स्थानिक बोलियों में जो संगीत व्याप्त है। बृहद्देशी ग्रंथ में उन्होंने देशी को एक प्रकार से तराश करके शास्त्रीय शक्ल दी और उस संगीत को हम कहते हैं मार्गी, माने जो जंगल में फैला हुआ था उस संगीत को हमने एक राह दी, एक नियमानुशासन दिया, एक प्रकार के प्रबंध से, एक प्रकार के छंद से, लय विशेष से बांधा। मूल में ये क्या था? मूल में कहा गया है नाट्य शास्त्र में भी कि अबला बाल गोपाल राजा ये सब अपनी इच्छा से जो गाते रहते हैं वही संगीत है, लेकिन इसमें एक शब्द है निजेच्छया, अपनी इच्छा से जो गाते हैं, किसी के कहे से नहीं, वो जो है वो बेसिस है संगीत का, सारे संगीत का बेसिस है। तो इसलिए एक तो हमको लोक प्रमाण के लिए आस्था रखनी होगी, दूसरी बात ये कि बंदिश का बहुत बड़ा महत्व है। बंदिश का सीधा मतलब ही ये है कि आप किसी चीज को बांध रहे हैं, जैसे मतंग ने देशी संगीत को मार्गी बनाया, उसी तरह से बंदिश भी राग के एक विशेष रूप को अपने में बांध लेती है। लेकिन राग जो है वो हर तरह से हर घराने में और हर प्रकार का व्यक्ति अपनी तरह से गाता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ता हुआ, एक ही जैसा अगर गाते रहे तो फिर वो संगीत नहीं है। अब साम गायन के लिए लोग कहते हैं हमारी संगीत की जड़ें साम गायन में है, नहीं है। साम गायन के लिए कहा गया है साम के छंद जो है वो अपौरुषेय है, उनको जैसे के तैसा गाना होगा, एक शब्द एक कड़ी इधर से उधर नहीं हो सकती है। तो अगर ये अपौरुषेय है, इसमें मनुष्य के हाथ का कोई स्पर्श नहीं हो सकता है, मनुष्य की उपज का प्रतिभा का कोई स्पर्श नहीं हो सकता है, तो वो संगीत नहीं है। संगीत तब उपजता है जबकि हम शब्दों के और स्वरों के इस लोक प्रमाण से शुद्धिकृत महासागर में से अपनी पसंद के स्वर उठाते हैं, राग विशेष को लेते हैं और फिर उसमें अपनी तरह से उपज करते हैं। एक बड़ा सुंदर शब्द है, हम लोग आजकल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील, अंग्रेजी में हम बार बार शब्दों को पुनर्रचना कर रहे हैं, ऐसे शब्द खोज रहे हैं जिनका कि कोई जैविक आधार नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द है, सहजता से कहने वाला शब्द है, वो ये है कि प्रयोग धर्मी, माने बार बार प्रयोग को ही मूल धर्म बना के चलने वाला संगीत जो है वो संगीत है, और उसमें प्रवाह और बदलाव निरंतर होंगे। मुझे कोई इसमें न कोई परेशानी होती है नई तकनीकी से, न उससे कोई स्पर्धा करनी है, और न ही मुझे अच्छे संकरण से कोई परहेज है, क्योंकि संगीत जो है वो प्रवाहमान है, मनुष्य का बनाया हुआ है। हमको ये याद रखना चाहिए, नाट्यशास्त्र कहता है देवाः अशक्ताः नाट्यकर्मणि, देवता इतने कंप्लीट, इतने स्वयं विराजित हैं कि वो नाटक नहीं कर सकते, नाटक हम हुए मनुष्य करते हैं, ये लेखन हम लोग करते हैं। किशोरी जी ने मुझसे एक बार कहा था कि हम लोग जो कलाकार हैं वो तपोभ्रष्ट यति हैं, जैसे यति लोग जब लौ लगाते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं संसार से और फिर वहीं उनकी ब्रह्म से लौ लग जाती है, लेकिन हम शापभ्रष्ट लोग हैं, इसलिए हमको फिर संगीत के अपने निर्दिष्ट मार्ग पर लौटना होता है, महफिलों में वापस आना होता है, अपने श्रोताओं की रुचि अरुचि को आंकना होता है, समय का आकलन करना होता है।
तो इसलिए संगीत में बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात करना चाहिए। हम लोग या तो संगीत को बिल्कुल ही देवकृत चीज मानते हैं और या बिल्कुल मनुष्यकृत चीज मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये निरंतर बहने वाली एक सरिता है जो बदलती रहती है, निरंतर अपना स्वरूप बदलती चलती है। ग्राम जाति गायन सबसे पहले आया, लोग कहते हैं ग्राम जाति गायन, आज तक मैंने उसका कोई गाने वाला सुना नहीं। यही नहीं, मैं तो बहुत अदना चीज हूँ, पंडित भातखंडे को भी कोई ग्राम जाति गायन विश्वस्त रूप से गाने वाला नहीं मिला। तो जिस संगीत को आज हम गा और बजा रहे हैं, ये लगभग 18वीं सदी के अंत से शुरू हुआ। एक दरगाह कुली साहब की किताब है, बहुत पहली किताबों में से, उसमें उन्होंने कहा है कि ख्याल गायकी ध्रुपद से निकली और ख्याल गायकी का आविष्कार जो था वो मोहम्मद सदा रंगीले, जो अपने नाम से लिखते थे, मोहम्मद शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाहों में से, उनके समय में सदा रंग ने, जिनका असली नाम नेमत खान था, शुरू किया था। तो अब इसमें भी फिर हमको बहुत सारी चीजें और दिखाई देने लगती हैं कि औरतें कहाँ थी, महिलाएं तो गाती हैं, और उसमें श्लोक में भी कहा गया है अबला बाल गोपाले क्षितिपाले च निजच्छया। तो राजाओं का तो नाम आ जाता है, मोहम्मद शाह भी या सदा रंगीले, वादिशाली शाह भी काफी रंगीले थे, लेकिन जिन महिलाओं ने गाया बजाया उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब सदा रंग की दो प्रसिद्ध शिष्याओं के बारे में दरगाह कुली ने लिखा है, एक धन्नाबाई और एक पन्नाबाई, उनकी कोई कृति हमको नहीं मिलती है। पुरुष अपना नाम पिरो देते हैं अपनी रचना में, महिलाओं ने कभी नहीं पिरोया, या अगर पिरोया गया किसी ने उखाड़ लिया और अपना नाम डाल दिया, ये भी संभव है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो हमको दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन जो स्थिर चीज है वो ये है कि संगीत एक परंपरा की धारा है और उसमें निरंतर वैयक्तिक प्रतिभा और अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान से लोग संवर्धन करते चलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सीना बसीना ने गुरु के सामने बैठ की जो तालीम ली जाती है वो तालीम उत्कृष्ट मानी जाती है। बहुत अच्छी चीज है, आज तकनीकी आ गई है, तकनीकी की मदद से हम बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि तानपुरे का ड्रोन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रुतियों की जो बारीकियां हैं, स्वरों की जो बारीकियां हैं, किस राग में किस तरह के स्वर कब प्रयुक्त होंगे, कब वो प्रयुक्त होने पर राग का स्वरूप बिगाड़ देंगे, ऐसी महीन महीन चीजें, बहुत सारी शंकाएं जो मन में होती हैं, वो निरंतर गुरु के संसर्ग से, गुरु के साथ बैठने से ही मिलती हैं। और स्मृति जो है, स्मृति गुरु मुख से ही मिलती है। किताबों में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो जीवंत स्मृति गुरु के मुख से मिलती है उसका कोई स्थानापन्न या विकल्प नहीं है। इसलिए टीवी में या यूट्यूब में रागदारी गायकी देख के, ख्याल सुन के बहुत सारे तानसेन तैयार हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तानसेन उससे तैयार नहीं होते हैं, उसके लिए साधना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा हर बड़े गायक ने कितनी जद्दोजहद से गुरु ढूंढे। गुरुओं ने पहले उनकी भयंकर परीक्षा ली, जो ब्राह्मण थे उनसे मांस पकवाया, जो मुसलमान थे उनसे प्रभु की, अपने मंदिर में ले जाकर के प्रभु की लीलाएं गवाई, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मूल चीज पवित्र संगीत था। तो ये कुछ बातें मैं शुरू में कहना चाहती थी। अब आगे पूछिए। जी मैम, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ये है कि शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ गलतफहमियां प्रचलित हैं, खास तौर पे धार्मिक गलतफहमियां, जैसे कि यह कहना कि सामवेद से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की धारा प्रवाहित हुई है, तो आपका क्या कहना है मैम इस पर? देखिए, मैंने जैसा अभी कहा कि साम गायन जो है, साम गायन को अपौरुषेय माना गया है, मैंने उसमें जैसे भी जो भी शब्द हैं वो मंत्र कहे जाते हैं। अब मंत्र में ओम नमः शिवाय है, शिवाय नमः ओम कोई नहीं कहेगा, ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसी तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, वासुदेवाय भगवते नमः आप नहीं कह सकते हैं, भगवते वासुदेवाय नमः आप नहीं कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र है।
अब इसमें मनुष्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है, लेकिन हम दई मारे कलाकार जो हैं उनको अपने लिए ठेल ठाल के जगह बनानी पड़ती है। जैसे बच्चे गोदी में और भाई बहनों को ठेल के माँ की गोदी में जगह बना लेते हैं, हर कलाकार अपने लिए जगह बनाता है। और इसकी भागवत कथा में बहुत सुंदर एक शब्द इस्तेमाल किया है, बहुत सुंदर उपमा इस्तेमाल की है भागवतकार ने। उन्होंने कहा है कि जो हमको फल मिलता है, कथा वही है, राग वही है, घराने वही हैं, बंदिशें वही हैं, लेकिन हर बार हम सुनते हैं तो कुछ नया सुनाई देता है। वो नयापन कहाँ से आता है? तो भागवतकार कहता है कि जैसे तोता फल कुतरता है, हर कुतरे फल में वो अपने मुंह का भी कुछ द्रव डाल देता है। शुक मुख द्रव संयुतम। तो जो संगीत भी है उसमें एक तो फल है ही, अपने ठोस फल है जैविक रूप से, उसने कुछ कुतरा है और उसमें कुछ अपना जोड़ा है। तो जो अच्छी कथा है, रसीली कथा है, या जो रसीला संगीत है, उसमें एक द्रव गाने वाले या कथा सुनाने वाले के अंतर मन से निकला हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं रसो वै सह। अंतिम परख यही है कि रसमय है कि नहीं। कई लोगों का गाना हम सुनते हैं फिर कहते हैं कि हाँ गाया तो बिल्कुल ठीक, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, राग ठीक ठाक था, कहीं व्यतिक्रम नहीं हुआ, पर रस नहीं था, रूखा गायन। इसी तरह लेखन में भी है कि भाई भाषा ठीक है, अच्छे प्रकाशक हैं, अच्छा नाम है, अकादमिक रूप से ठीक ठाक है, मजा नहीं आया। तो ये जो रस है, ये आनंद वर्धन ने कब इसकी कश्मीर में परिकल्पना की थी, लेकिन तब से ये हमारा एक अविभाज्य आलोचना के लिए एक तत्व बन गया है, एक शब्द बन गया है। अंतिम परख यही है। पहली परख ये कि लोग धर्मी है, प्राण वायु उसको लोक से मिल रही है, और अंतिम बात ये है कि उसमें रस है कि नहीं है। अब साम गायन में आप उसको गाएंगे तो एक बहुत अभिभूत होकर धार्मिक भावना से गा सकते हैं, सुनने में बुरा भी नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। लोग कहते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय पाठ ही जो है वो सामवेद है, लेकिन वो सब अपौरुषीय कृतियां हैं, उसमें हम क्या जौहर दिखाएं भैया। तो इसलिए वैदिक काल में हमारे आज के संगीत की शुरुआत कम से कम मुझे नहीं लगता है हुई थी। इसके बाद जैन और बौद्ध काल आता है। जैन और बौद्ध दोनों निवृत्ति मार्गी थे, इसलिए उन्होंने भी संगीत में कोई खास रुचि नहीं ली, उनकी लौ ऊपर वाले से लग गई थी। तो जैसे किशोरी जी ने कहा कि थोड़ा सा एक तपोभ्रष्ट यति होना आवश्यक है। शैव मत जब आया, शैव मत ने आप जानते हैं कि पूरे भारत में तरह तरह के लोगों को जुटाया, जिसमें कि तमाम यहाँ के जो ओरिजिनल आदिवासी थे, तमाम तरह के गायन प्रकार थे, उनकी शैलियां थी, वो सब आए। इसीलिए जो एक शिव महिम्न स्तोत्र है हमारे अथर्ववेद का, उसमें वो एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं यद अपूर्व यक्षम अंतर प्रजानाम तन में मनो शिव संकल्प मस्तु। हर एक व्यक्ति के मन में एक यक्ष छिपा रहता है। अब यक्ष जो थे ये बड़े विचित्र जीव थे, ये इनके एक नाम है गुह्यक, माने पीछे से छिप के वार करते थे। तो जो फ्रॉयड ने 19वीं 20वीं सदी में आके डिस्कवर किया, वो उसमें छिपा हुआ है। यद अपूर्व यक्षम अंतर प्रजानाम, हर व्यक्ति के कई व्यक्तित्व होते हैं और हर व्यक्ति के मन में कुछ गूढ़ भावनाएं होती हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो गूढ़ भावनाएं सुसंस्कृत हों, सुंदर हों, कोमल हों, और ये काम संगीत और कलाएं करती हैं। मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगा आपसे जी। मैम, सामाजिक दूरी के माहौल में संगीत की बैठकों का क्या होगा? हम इस पर आपके विचार जानना चाहते हैं। ये आज के लिए बड़ा गहन चिंतन हो चुका है ये सब, ये विषय, तो इस पर मैं आपसे ये राय जानना चाहूंगा, आप अपना प्रकाश डालें। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जमाने में तो वैसे ही बैठकों का, महफिलों का भविष्य हमको खतरे में दिखाई दे रहा है कि अगर आप गज गज भर की दूरी पर बैठेंगे तो अगर संगीतकार को हॉल खाली नजर आएगा तो क्या दिल करेगा सुनाने का। अब हम लोगों ने उसका विकल्प ये ढूंढ लिया है कि हम पर्दे से बात करते हैं,
ये नया तरीका है, नई शैली है, कुछ समय लगेगा तालमेल बिठाने में, फिर इसकी भी आदत हो जाएगी। महफिलें भी संगीत की तरह से बदलती रही हैं। पहले लोग जब अपनी निजे छया गाते थे, औरतें चक्की पीसती भी गाती थी, बच्चे खेलते हुए गाते थे, राजा अपनी अफीम की पिनक में या राज दरबार में कुछ करते कराते गाने लगते थे, और खेत में किसान हल चलाते चलाते गाते थे, तो वो तो फ्री फॉर ऑल किस्म का म्यूजिक था। लेकिन जब राज दरबार में प्रवेश हुआ संगीत का, तो वो राजा की इच्छा पर, पेट्रोनेज, यहाँ पर संरक्षण और संरक्षक का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। राजाओं के दरबार में जाहिर है कि जब संगीत की गोष्ठियां होती थी, तो जो राजाओं के परिजन होते थे, ऑपोजिशन को इनवाइट नहीं किया जाता था, ऑपोजिशन के समर्थकों को इनवाइट नहीं किया जाता था, राज दरबार के जो मुंह लगे साहब होते थे, सांसद होते थे, मुसाहब होते थे, और राजा के रहवास की रानियां चिक्के पीछे से आकर के गाना सुना करती थी। तो कुल मिलाकर के संगीत का ये जो रूप तैयार हुआ, उसमें राजा की और ईश्वर की ही प्रार्थना होती थी। पुराने ध्रुपद भी आप देख लीजिए, उसमें या तो राजा की स्तुति है या ईश्वर की स्तुति है। उसके बाद फिर जब बात को करीब 19वीं सदी के अंत में 1857 तक, जब सल्तनत मुगलिया का पतन हो गया और अवध का दरबार भी बिखर गया, तो सारे कलाकार इधर उधर छितरा गए और छोटे छोटे राजे रजवाड़े रईसों के यहाँ चले गए संरक्षण के लिए, क्योंकि कलाकार आप जानते हैं तबीयतन फक्कड़ होते हैं, पैसा ढीला बचा के नहीं रखते हैं, परिवार उनके बड़े बड़े होते हैं, साथ में लगड़ फगड़ तो उनके शिष्य और उनके रिश्तेदार, उनके साले सालियां सब पलते रहते हैं। तो ये लोग जब जाकर के छोटी छोटी रियासतों में चले गए, तो कुछ रियासतें थी जिन्होंने बहुत बड़ा संरक्षण दिया, रामपुर की रियासत एक थी, दतिया की रियासत एक थी, इसी तरह से बड़ौदा बहुत बड़े पेट्रन के रूप में उभरी। तो इस प्रकार से कई ऐसी जगहें थी जहां पर इनको संरक्षण मिला। अब ये जो नए संरक्षक थे, इसमें कुछ तो राजे रजवाड़े थे जो परंपरा से ही सुनते आए थे संगीत, उन्हें थोड़ी बहुत तमीज थी, कुछ इसमें नोवोरिश किस्म के लोग थे जिनको अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी जमीनें देके ओवरनाइट बहुत अमीर बना दिया था। तो वो आजकल के नवधनाढ़ियों की तरह से किसी भी नामी गिरामी उस्ताद को या बाई जी को बुला करके अपने यहाँ महफिल और मुजरा तो कराते थे, लेकिन रुचि उनकी कोई बहुत परिष्कृत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी चूंकि वो भरपूर पैसा देते थे, और आप जानते हैं कि नवधनाढ्य ज्यादा पैसा देते हैं, पुराने अमीर कंजूस होते हैं, नए नए अमीर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत पैसा देते हैं, तो इसलिए ये जो नई पेट्रनेज थी, इसने नई तरह के श्रोता तैयार किए। अच्छा, फिर ये भी था कि ये वाले जो श्रोता थे, इनका अटेंशन स्पैन या सुनने की ताकत बहुत लंबे अरसे तक की नहीं थी। अब वो दिन चले गए जबकि रात रात भर संगीत की महफिलें चलती थी। अब नवाब साहब को आज हुआ, उन्होंने कहा आधा घंटा हमको मालकौंस सुना दो। तो उस्ताद जी बेचारों ने कहा हाँ हुजूर सुनाता हूँ, सुना दिया। किसी दिन उन्होंने कहा कि अच्छा हमको आज फला राग सुनाओ। सुनते सुनते उन्होंने कहा कि इसमें तुमने ये स्वर क्यों लगाया? तो उस्ताद ने कहा हुजूर इसमें ये स्वर लगता है। कहेंगे हमारे घर में तो ये नहीं लगता है, हमारे सुने में तो ये नहीं लगता है। तो उस्ताद जी कहेंगे हुजूर ठीक है, मैं इस वाले स्वर को निकाल देता हूँ, इसके बिना ही पूरा राग गा देता हूँ। तो ये जो अपने नए संरक्षकों की इच्छा अनिच्छा के हिसाब से रागों की टेलरिंग होने लगी। फिर 19वीं सदी के अंत तक ये हाल हो गया कि लोगों को गहरी रुचि होने लगी लोक संगीत में, और कुछ लोगों ने इस ट्रेंड को पकड़ा, खासकर जो डेरेदार तवायफें थीं, और इस तरह से पूर्वी भारत में गाई जाने वाली कजरी, चैती, ब्रिज में गाई जाने वाली होरी, धमार, इन सबको भी थोड़ा सा देशी से मार्गी बना के तराश की उन्होंने प्रस्तुत करना शुरू किया, और वो इमिजिएट हिट्स हो गए और उनको बड़ी हिट्स मिलने लगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि नृपगण लाज छोड़े मुंह लगाए लई ठुमरी। पहले से ख्याल गायकी, पहले ध्रुपद गायकी एलिटिस्ट गायकी थी, फिर ख्याल गायकी एलिटिस्ट बनी, लेकिन जब ठुमरी के साथ ठुमका लगने लगा तो राजाओं ने सारी लाज शर्म छोड़ी और ठुमरी गाते हुए गुनगुनाते हुए ही महफिलें बर्खास्त होने लगी। तो हमारे समय तक आते आते संगीत की गायकी और उसकी पेट्रनेज ने कई पड़ाव तैयार किए। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो फिर नए पेट्रन कौन बने? राजनेता और बाबू लोग। बाबूशाही के हाथ में फिर ऑल इंडिया रेडियो का यंत्र आया,
बीवी केसकर भगवान की दया से बहुत अच्छे संगीत के मर्मी रसिक थे। उन्होंने कुछ संगठन और संस्थाएं बनाई, ऑडिशन की व्यवस्था शुरू कराई किस तरह से, और फिर उसके बाद उन्होंने गायकों को तैयार किया कि वो ऑल इंडिया रेडियो की मार्फत पूरे देश में छा जाएं, उत्तर से भी और दक्षिण से भी। इसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानियां हैं। ऑडिशन होने लगे तो कई उस्तादों ने तो मना कर दिया साहब कि हम साहब ऑडिशन नहीं देंगे, गली में पनवाड़ी के यहाँ हमारा गाना बजेगा, हमारे घरानेदार उस्तादों के बनाए हुए गाने बजेंगे, हम तो नहीं देते ऑडिशन। कई लोगों ने ये कहा कि ये जो तवायफें हैं इनका गाना कैसे होगा, ये तो अच्छी औरतें नहीं हैं। तो फिर एक राह निकाली गई कि जितनी भी हिंदू गायिकाएं थी उनके नाम के आगे देवी जोड़ा गया, जितनी भी मुस्लिम गायिकाएं थी उनके नाम से बाई हटा करके उसके आगे बेगम जोड़ा गया, और इस तरह से एक संगीत परंपरा मध्य वर्ग के बीच में आने लगी। इसमें विष्णु दिगंबर पदुस्कर भातखंडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने इसको थोड़ा सा शास्त्र को परिष्कृत किया। पदुस्कर जी ने गांधी जी से जोड़ा तो वो एक तरह की पवित्र राजनीति की धारा से भी संगीत को जोड़ के पवित्र हुआ, और दूसरी तरफ पलुस्कर जी ने उसको कोडिफाई किया, संगीत की रागमाला तैयार की, करीब 2,500 बंदिशों का, दुर्लभ बंदिशों का संकलन तैयार किया, उनको सिलसिलेवार तरीके से छपवाया, तो मध्य वर्ग तक संगीत गया। जब मध्य वर्ग तक संगीत गया तो फिर से बड़ी ऑडियंस जमा होने लगी। तो सबसे पहले अब्दुल करीम खान साहब ने अठाठ आने का टिकट बेच करके बड़ी महफिलें करवाई जिसके खर्चे से वो अपना म्यूजिक स्कूल चलाया करते थे। फिर और ये फिर बंबई धनाढ्य नगरी बन गई, रईस लोग आ गए तो बड़ी बड़ी महफिलें होने लगी, टिकट के दाम बढ़ने लगे, और आज तो आप जानते ही हैं कि कितनी सारी कॉरपोरेट्स हैं जो सालाना ये सब जलसे, सालाना साल में 3-4 बार ये जलसे आयोजित करते हैं, बड़ा पैसा देते हैं। लेकिन इसका एक दुर्भाग्य से ये हुआ है कि एक स्टार सिस्टम बन गया है, जिनकी रेटिंग्स बहुत ऊंची हैं और जिनको तथाकथित क्रिटिक लोग बहुत आसमान पर चढ़ा देते हैं उनको बुलाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे गुंचे हैं जो बिन खिले मुरझा जाते हैं। मैम अगला प्रश्न है, अलग संरक्षकों के संरक्षण पर पड़े प्रभाव से संगीत का क्या असर पड़ा? किससे? सॉरी मैं पहला हिस्सा सुन नहीं पाई। अलग संरक्षकों के संरक्षण पर पड़े प्रभाव से संगीत पर क्या असर पड़ा? देखिए, अगर दर्शक नहीं दिखते हैं तो गाने में एक तरह से मजा नहीं आता है। अब जैसे आप दिख रहे हैं तो बात करने का रस आ रहा है, लेकिन अगर कोई गाएगा तो गायक को तो महफिल चाहिए ना, बहुत सारे दाद देने वाले सिर, और हमारे यहाँ तो फिर जैसे गूंगा अंतर मन को स्वाद मन ही मन भावे वाली चीज है कि मूड हिला करके लोग दाद दे देते हैं, उसी से संगीतकार खुश हो जाते हैं, हाथ हिला देते हैं उसी से लोग खुश हो जाते हैं। वो नहीं दिखता तो थोड़ा कष्टकर तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कलाकार लोग बहुत अपनी कला को बचाने के लिए और खुद को भी बचाने के लिए तालमेल बिठा ही लेते हैं, और संगीत का फिर स्वरूप बदल जाता है। अब अभी तक मतलब कोविड के आने से पहले तो जो बड़ी बड़ी संगीत की गोष्ठियां होने लगी थी गोवा जैसी जगहों में, जिसमें तरह तरह का संगीत होता था, हिंदुस्तानी संगीत भी होता था, विलायती संगीत भी होता था, और देशों से भी संगीत आता था, तो उसमें तमाम तरह की धूम धड़ाके और लाइटिंग होती थी। यहाँ तक कि फिर इधर जो लिट फेस्ट का एक नया सिलसिला चला उसमें भी जरा श्रोताओं की भीड़ खींचने के लिए कुछ देशी छोंक लगाने के लिए, एक तरह से एथनिक खूबसूरती को उभारने के लिए ही सही, लेकिन अच्छे संगीत को जगह मिलने लगी। तो मुझे लगता है कि संगीत को जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पर उसको घुस जाना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो संगीत की खूबसूरती है वो बनी रहनी चाहिए, चाहे वो जिस भी रूप में बने, और संगीत में स्वर तो वही है जैसा मैंने कहा, संगीत का उपज भी लोक धर्मी ही है, अब जैसा लोग चाहेंगे वैसा ही गाया बजाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी तो विरक्ति होती है जिन लोगों को महफिलों की आदत है, या जिन्होंने महफिलों बड़ी बड़ी महफिलों में गाया बजाया है, या छोटी छोटी रसिकों की महफिलों में गाने का सुख लिया है, थोड़ी सी उनको परेशानी होगी, लेकिन ठीक है, बच रहेंगे संगीत भी संगीतकार भी। जी मैम,
तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप लाइव हमारे साथ, मैम लाइव कमेंट्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं जी। मैं ज़रा सा कुछ कह सकता हूँ क्या? इजाज़त सर। मैं मैडम अभी सवाल तो आए हैं, उससे पहले मेरे मन में एक जिज्ञासा ये हो रही है, आपने संगीत को तो बहुत तमाम कहाँ से जोड़ के देखा है, और आप एक लेखिका हैं और संगीत के बहुत अंदर से जानती हैं, एक दृष्टि रखती हैं। आपने उपन्यास लिखा है सहेला रे, उसकी संगीत ही उसकी बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि है, और उसको लिखा भी एक अलग अंदाज में है, जिसे अंग्रेजी में तो एपिस्टोलरी मेथड कहते हैं, जो पत्र के या ईमेल के जरिए लिखा गया है। हम चाहते हैं कि आप अपने आप तो अपने उपन्यास का जिक्र शायद करने वाली नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस साहित्य के बारे में, अपने उपन्यास के बारे में बताएं कि इसकी प्रेरणा कहाँ से आई, और साथ ही जिस तरह की भाषा आपने प्रयोग की है, उर्दू भी है, ये भी है, और एक जो घूप से आपने सहेला का लिया है, उसका मूड भी बनाने की कोशिश की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा संगीत सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे देश में भाषाओं के बीच में विद्वेष कभी नहीं रहा, जो आज जैसा आज प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हिंदी और उर्दू इतनी मिठास और इतनी सहजता से घुल मिल जाती हैं हमारे संगीत की बंदिशों में और संगीत के बारे में कथोपकथन में, कि ये कहना कि इसका विरेचन हो जाना चाहिए या ये हिंदू संगीत है, ये मुसलमान संगीत है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और ये बेवकूफ़ी शुरू की अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो और मंचों पर राजनीतिक वजहों से हिंदुओं मुसलमानों के बीच में फाँक डालना चाहते थे, तो उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और जब सब पहला पर्चा जो लिखा गया भारतीय संगीत के बाबत अंग्रेज द्वारा, उसका नाम ही था हिंदू म्यूजिक। तो हिंदू म्यूजिक का क्या मतलब है? या तो आप कहिए हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदू म्यूजिक से ये ध्वनि निकलती है कि ये सारा हिंदुओं ने ही बनाया था, जबकि जैसा मैंने कहा कि जो आज हम गा बजा रहे हैं पिछले 200-250 साल में ही तैयार हुआ है, और इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का बराबर का योगदान है। और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो घराने हैं, हमारे जो बहुत बड़े संगीतिक घराने हैं, उनकी शुरुआत और उनकी नींव मुस्लिम उस्तादों ने डाली, और उनकी कईयों की पत्नियां हिंदू थीं, कई मूलतः उनके पुरखे हिंदू थे, राजनीतिक वजहों से धर्मांतरण करके वो मुसलमान में। तो संगीत को हिंदू और मुसलमान के रूप में बांटना नाखून को उंगली से अलग करने की तरह से होगा, और इसलिए हमारे यहाँ ये बड़ा एक दर्दनाक वाकया है कि लोगों को ये, जब ये इस प्रकार की हिंदू उर्दू हिंदी उर्दू हिंदी उर्दू इसमें इतनी सांप्रदायिकता भर दी गई, तो हिंदी पट्टी के लोगों ने भी ये मानना छोड़ दिया कि हिंदी में भी और उर्दू में भी सारी लोच, सारी सहजता और सारा सौंदर्य असल में बोलियां भरती हैं। जो बोलियां पूर्वी भारत के हिंदी पट्टी की भी हैं, पश्चिमी भारत की भी हैं, ब्रजभूमि की भी हैं। आप ये समझ लीजिए कि अकबर के ज़माने में भी हरम में पंजाबी, ब्रज भाषा और मारवाड़ी बोली जाती थी। तो जितने भी बादशाहों के हरम थे, उनकी पत्नियां जो थीं वो बोलियां बोलती थीं। संगीतकार जिस पृष्ठभूमि से आते थे, गांव से आते थे, वहां भी बोलियां बोली जाती थी। और बोलियों में जो एक लोच और ध्वन्यात्मकता है, तो कान मोहे बांसुरी बजाए के रिझाए गयोरी, इसको आप खड़ी बोली में कैसे कहेंगे? कन्हैया ने बांसुरी बजाई और मुझको रिझा लिया, एकदम लगता है सिर पर लठ मार रहे हैं। तो उर्दू ने भी ये बेवकूफी की कि एक तरह से बोलियों का विरेचन शुरू किया और फारसी की ओर मुड़ी। हिंदी ने भी ये बेवकूफी की कि बोलियों का विरेचन किया और संस्कृत की तरफ मुड़ गई। लेकिन संगीत ने बोलियों को पकड़े रखा, और वही मिठास की वजह है। इससे एक नुकसान ये हुआ कि हमारे यहाँ लिखित परंपरा बहुत बाद में आई। मुखामुखी जो दिए जाते थे बोल, वो ठीक थे, लेकिन जब लिखा गया
तो अक्सर ये होता था कि उस्ताद चूंकि अर्ध साक्षर या निरक्षर होते थे, वो अपने शिष्य से कहते थे कि तुम लिख दो। शिष्य अक्सर या तो फारसी में लिखते थे या नागरी में बहुत कम लिखा जाता था। तो बड़े बड़े कवि भी, बिहारी और गणानंद, इन सब की रचनाएं भी हमको फारसी लिपि में मिलती हैं, फिर उनको नागरी में लिप्यंतरण किया गया। अब होता यह है कि फारसी में बहुत कुछ ध्वनियां और बहुत कुछ शब्द वो नहीं है जो बोलियों और नागरी से आते हैं। जैसे मेरी भव बाधा भरो राधा नागरी सोए, भव बाधा को जब उर्दू से लिप्यंतरण किया तो उन्होंने लिखा भव बाधा। अब भव तो फर्क शब्द है, लेकिन इससे ये हुआ कि बहुत सारी बंदिशें, जब इसको विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने और भातखंडे जी ने लिपिबद्ध किया, तो वो चूंकि दोनों बोलता मराठी भाषी थे, हिंदी भाषी नहीं थे, तो कई सारी तो उन्होंने गलतियां ठीक की, लेकिन कई सारी गलतियां जो उत्तर भारतीय बोलियों की थी, देहाती बोलियों की थी, ब्रज भाषा की, अवधी की, मैथिली की, मगही की, तो वो बोली, वो गलतियां उसमें रह गई, तो उसकी वजह से कुछ विकृत गाया गया। और फिर ये भी हुआ कि संगीत के स्वरों के साथ चूंकि शब्दों को बहना होता है, तो कई बार उसको जैसे रंग को रोंग कहा गया, चंपा को चौंपा कहा गया, तो ये इस प्रकार की स्थानिक जो बोलचाल की भिन्नताएं हैं वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद भारतेंदु ने है, जो हमारे नगर दादा थे हिंदी के, उन्होंने लिखा है कि कई तरह की उनके समय में 12 प्रकार की हिंदियां बोली जाती थी, जिसमें एक रेलवे वाली हिंदी भी थी जिसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द थे। तो संगीत के साथ भी यही है कि स्वरों का अपना महत्व है, लेकिन बंदिशों का भी अपना महत्व है। एक बहुत बड़ा काम बल्कि स्कॉलर्स के लिए ये है कि वो इन बंदिशों को ले और उनकी भाषाई विसंगतियां विरेचित करके उनकी खूबसूरती को उभारें, उसको समझें। क्योंकि कई बार ऐसा भी हमारे यहाँ हुआ है, एक कवि थे घनानंद, एक सुजान नाम की नर्तकी को अपना दिल दे बैठे, तो जब वो गाते थे तो सुजान की ओर मुंह करके गाते थे, बादशाह की तरफ शायद उनका रुख दूसरा हो गया, तो किसी मुसाहब ने कहा कि हुजूर ये सुजान को देख के गाते हैं, आपकी तरफ पीठ कर लेते हैं, तो उनको निकाल दिया गया। दुखी होकर के उन्होंने सुजान से कहा कि तू मेरे साथ चल, सुजान चलती पुरजी थी, उसने कहा हुजूर मैं तो नहीं चलूंगी आपके साथ, मैं तो दरबार में रहूंगी। तो दुखी होकर कवि घनानंद जो थे वो ब्रिज जा बसे, और उन्होंने जो प्रेम कविताएं अपनी प्रेमिका की सुजान के नाम पर लिखी थी वो सब उन्होंने कृष्ण को ट्रांसफर कर दी, रातों रात उनका ई खाता उधर खुल गया, और उसके बाद वो मंदिर में गाने लगे। ऐसे कई किस्से हैं कि संगीतकारों ने अपनी मूल रचना, कई बार ये भी हुआ है कि राजाओं ने अपने लिए गोस्ट राइटिंग कराई, जैसे मोहम्मद शाह रंगीले के लिए कहा जाता है कि उनकी तथाकथित बहुत सारी रचनाएं जिसमें मोहम्मद शाह या सदा रंगीले आता है, वो दरअसल घनानंद या उनके किसी अन्य दरबारी कवि की अदारंग किया किसी की लिखी हुई है। तो इसलिए संगीत की ये सारी जो बुनियादी नट्स एंड बोल्ट्स हैं, इसको खोलना, इसमें घुसना, इसका विकल्प सोचना, ये एक लेखक के लिए भी बहुत सुंदर चुनौती है, और ये संगीतकारों के लिए तो है ही। मुझे अफसोस होता है ये देख करके कि जो लोग आजकल संगीत सीख रहे हैं या जो सिखा रहे हैं वो भाषा की खूबसूरती भूलते जा रहे हैं। और मुझे somehow or the other क्लासिकल म्यूजिक के साथ भाषाई एक्सपेरिमेंटेशन कुछ विचलित करता है, इसलिए क्योंकि हमारे जो स्वर गायकी का स्वरूप है उसमें बोलियों वाली हिंदी अधिक सुंदरता से फिट होती है। गाने को तो लोग मैथिली शरण गुप्त को गा रहे हैं, सियाराम शरण गुप्त को गा रहे हैं, सबको गा रहे हैं, लेकिन बंदिश बंदिश होती है, वो गाने के लिए बनाई जाती है, तो जिसका काम है वही उसको शोभायमान होता है। जी मैडम, बहुत 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 अच्छी तरह से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया, और जाहिर है कि आप बहुत बंदिशों पे आपने काम भी किया है, देखा है, लेकिन बहुत सुंदर बात की है आपने कि बोलियों में जो मिठास है उसके हट जाने से संगीत में मिठास निश्चित रूप से कम होगी। इधर हमारे कुछ प्रश्न आए हैं। सवाल आपका जो था जी, मूल सवाल आपकी पुस्तक के बारे में,
जी वही मैं मूल अगर आप मुझे इजाजत दें दो मिनट में उस पर बात कर लूं। मूल दो मिनट में इस किताब में मैंने वही किया है जिस भाषा में मैंने संगीत सुना है, जिस भाषा में मैंने संगीतकारों को और अपने गुरुओं को बोलते सुना है, जिस प्रकार की बोली बानी महफिलों में मैंने सुनी है और मेरे कानों में पड़ी है, तो उसका मैंने प्रयोग किया है। और उतनी सारी आवाजें उनके लिए पात्र खोजना, उसकी रवानगी, अब मुझे पता नहीं क्यों अचानक ये स्वरूप अच्छा लगा कि सारी बदकही एक रिसर्चर के इर्द गिर्द बुनी जाए जिसने अलग अलग लोगों को चिट्ठी लिख के उनसे इस बारे में उनके विचार और मालूमात दिए हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के अपने उपन्यास के अंतिम भाग से एक अंश सुनाती हूँ जिसमें पीढ़ियों का अंतर झलकता है। ये एक पांचवी पीढ़ी की है तवायफ, जिसकी माँ और वो फाइनली अमेरिका चले गए थे क्योंकि वहाँ नॉन रेजिडेंट इंडियंस को सिखाने के लिए म्यूजिक स्कूल में उनका अच्छा धंधा चल निकला था। फिर भी बीच बीच में वो माँ बेटी दोनों भारत आना चाहते हैं और कोई एक मिस्टर अग्रवाल हैं जो वॉल स्ट्रीट में काम करते हैं, उन्होंने एक बैंड बनाया है इंडियन बैंड, तो ये उसकी सदस्याएं बन गई हैं और बैंड के साथ कभी कभी वो भी इंडिया आ जाती हैं। तो अब तो यहाँ अमेरिका में बैठे हजारों मील, 7 समुद्र 14 नदियां पार नेट सर्फ कर रहे मेरे जैसे अनिद्रा के मारों को इंटरनेट पर सही बटन दबाने से पंजाबी वाग या माटुंगा का कोई जोधपुर की रंगीन पगड़ी के साथ सेव दी टाइगर की टी शर्ट पहने अदमुदी आंखों वाला इंडियन रैपर बीड़ी जैसी पतली सपाट छाती वाली यूरोपियन छोकरी के साथ गिटार और तबले के संवेद सुरों में गाते हुए मिल सकता है। जी भर के रोऊंगा एक दिन, खुशी के आंसू रोऊंगा एक दिन, गुड़गांव की किसी बिल्डिंग में बजता है। राग खमाज में कुछ विवादी डिजिटल सुर, गाना वायरल होना गारंटीड, रात रात भर लिंक पोस्ट होती हैं, 24 घंटे जागता शेयर बाजार, अनवरत साहूकारी लेन देन, लेट नाइट सिनेमे के रचगे मनाती दुनिया में कहीं भी श्रोताओं का अकाल कैसे होगा जनाब, हमारे अग्रवाल साहब कहते हैं। सच है, हम मिडनाइट के चिल्ड्रन के चिल्ड्रन दुनिया में अनिद्रा रोग के साथ ही पैदा हुए हैं। हमारी माँ नानियों के दुस्वप्नों, कीचड़ पेशाब पसीने बेला के गजरों लोबान और इत्र से महकते गली कूचों कस्बों का कोई व्याकरण आज की इस गायकी पर क्यों लागू हो। दुनिया के हर बड़े शहर में बार बार उजाड़े गए रिफ्यूजियों के लिए थोड़ा सा उठंग कर हर कहीं नापदानों और खाने पीने के ठिकानों के बीच संगीत के लिए कुछ ठौर निकल आती है। यह नए बनते राग ब्रॉडबैंड की जटाओं से टपकते जलकण हैं। वे अब किसी यार के दर पर मौज से टहलते हुए आए हुए अधेड़ रसिक की तरह चैन भरी रहस्य भरी थाप नहीं देते। वे ड्रमर की बीट के साथ धड़क धड़क लोहे की सड़क कहते हुए किसी पुरानी परख को एक हिंसक रेलगाड़ी की लय में बदल देते हैं। हाँ, कभी कभार पीली रोशनी में बंदिश के भीतर गठरी बने शून्य को निहारते उदास राग बेनकाब होने लगते हैं। नींद से महरूम घर परिवार मुल्कों तक को मैं पिघलते देख चुकी हूँ। आज हमारी पीढ़ी छत पर अटकी एक बेघर बिल्ली है। कभी वो चांद की तरफ मुंह करके अपने नसीबों को रोती है, कभी अपनी ही तबाही का जश्न मनाती हुई मटककली मसककली बनकर ठमकती है। अजब जलसा है ये, न शब्द हमको हमेशा समझ पड़ते हैं, न तालों की लयकारी, न सब सुनने वाले पूरी तरह से होश में हैं। फिर भी स्वरों की झड़ी के बीच कोई एक ही भटकती सुर लड़ी की तरह अचानक पहुंच जाता है, कहाँ हो? ये सवाल जो अपने अदेखे दिल भर के लिए उम कुलसुम ने अरबी में गाया, अंग्रेजी में मारिया कैरी और अंधे सूरदासी अमरीकी गायक स्टीवी वंडर ने फिर हम सब दोहराते हैं, माय वर्ल्ड इज एम्प्टी विदाउट यू। आज हम सब गाने बजाने वाले किसी दूर दराज अनाम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आखिरी ट्रेन जा चुकी है, अगली कब आएगी कोई ठिकाना नहीं। इस बेसुरे बेताले वक्त के बीच हम सिर्फ सुर और ताल का दामन पकड़े खड़े हैं, अलग अलग जुबानों में अपने अनदेखे रसिक सुनने वालों को पुकार रहे हैं, सहेला रे आ मिल गाएं। इस एक जन्म के लिए इतनी ही साझेदारी बहुत है। क्या बात है, क्या बात है,
क्या बात है, क्या बतकही के अंदाज में आपने कितनी संवेदना से संगीत को हम तक पहुंचाया है, कितनी संवेदना है उसमें, पीड़ा भी छुपी हुई है जो पांचवी पीढ़ी की वो है वहां पर रहने वाले। मैडम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प सवाल यहाँ पे आए हुए हैं जिसमें कि आपस परस्पर विरोधी भी हैं कुछ एक। पहले एक सवाल तो यह है कि मुजफ्फरपुर से यशवंत पारसर जी पूछ रहे हैं कि आपने नारी स्त्री विषयों पे बहुत लिखा है और संगीत में भी आपने लिखा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? एक तो सवाल उनका ये है। जी जी, मेरी एक पुस्तक है जिसमें मेरे संगीत और उसमें महिलाओं के देखे अनदेखे छिपे अनछिपे योगदान का जिक्र है। उसका नाम है ध्वनि के आलोक में स्त्री। ये ध्वन्यालोक, ये अब जैसा मैंने बताया आनंद वर्धन के शिष्य अभिनव गुप्त का वो है वाक्य मैंने उधार लिया है। ध्वनियों का एक आलोक होता है, ध्वनियों का नाद होता है, ध्वनि का एक आलोक होता है जो अपने में स्वर के लिए कहते हैं स्वयं राजते इति स्वर, जो स्वयं विराजमान हो जाए वही स्वर है। तो ध्वनि के आलोक में स्त्री, किस तरह से स्त्रियों ने अपने विकट कठोर कठिन जीवन के बीच में भी स्वरों के लिए संगीत के लिए जगह निकाल ली, उसको प्रश्रय दिया। उस जमाने में जब संगीत खत्म हो जाता, अगर ये डेरेदार तवायफें उसको संरक्षण न देती, अपने समय की वो सबसे पहले फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट औरतें थीं। कई बड़े बड़े उस्तादों को पंडितों को उन्होंने पनाह दी उनके दुर्दिनों में, वो बात को उस्ताद और पंडित बन गए, ये बेचारी बाई की बाई रह गई। लेकिन स्त्रियों का अवदान बहुत बड़ा है। यही नहीं, उस्तादों की जो पत्नियां थीं वो भी उतनी ही बड़ी ज्ञान का भंडार थीं। अब उस्ताद मुंगू खान जो थे लखनऊ के, उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, उनके ज्यादातर जो शिष्य तैयार हुए, पखावजी भी तबलिये भी, उनकी पत्नी ने तैयार किए। इस बात का उनके शिष्यों ने भी कभी कोई जिक्र नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं, ये कहानियां हैं जो कि कहे जाने की राह देख रही। तो क्या आपके अलावा किसी और ने ये जो स्त्री है संगीत से जुड़ी हुई उनको हाशिए पर रखा गया है, किसी ने कुछ कोशिश की कि उनको केंद्र में लाया जाए लेखन के जरिए या किसी और जरिए? देखिए, रेणु के जैसे जो रसिक रसप्रिया कहानी है, वो जो मृदंगिया की कहानी है, तो वो प्रकारांतर से संगीत को और स्त्री की यंत्रणा को जोड़ती है। जो बाबू रोगों की रखेल बनने को बाध्य है, जिसका बेटा मोहनिया छोड़ा नाच करने के लिए बाध्य है, लेकिन सीधे सीधे इसको टटोल करके, एक तो ये बहुत कष्टकर विषय है। जब मैंने ये लिखी किताब, तो जो जो ब्योरे मेरे सामने आए और जो जो जानकारियां आई, एक अमृतलाल नागर की पुस्तक है ये कोठे वालियां, उसमें कुछ अच्छे बहुत मार्मिक व्यक्ति चित्र भी हैं, लेकिन स्त्री की दृष्टि से इसको देखा जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि चांद का एक हिस्सा वो होता है जो सब देखते हैं, एक अनदिखा हिस्सा होता है जिसके लिए चांद के पीछे जाके खड़ा होना पड़ता है, अंधेरे में खड़ा होना पड़ता है, और वो कष्टकर है लेकिन ये संभव है। देखिए, अगर कोई करे ये काम तो बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आया है कि जिसमें यशवंत जी ही पूछते हैं, क्या हमारा शास्त्रीय संगीत बुर्जुआ हुआ जाता है? दूसरी तरफ अनीश मिश्रा पूछते हैं कि क्या हमारा शास्त्रीय संगीत अभिजाति ही बना रहेगा? एकाद संगीत के संगीतकार हैं, टीएम कृष्णा का नाम लेते हैं, जो वहां तक ले जाने की कोशिश की है जिन्होंने, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि शास्त्रीय कलाएं हर देश में, दुनिया के हर देश में, हर काल में एक छोटे से ही वर्ग की थाती रही हैं, और ये वर्ग अक्सर संरक्षण खोजने को बाध्य होता है, जो कि उसको बहुत अमीर लोग ही देते हैं। अब चाहे आप इटली के रेनेसां युग के कलाकारों को देख लीजिए, चाहे अमेरिका के कलाकारों को देख लीजिए, या रानी एलिजाबेथ के दरबार में
रहने वाले कलाकारों को देख लीजिए, विक्रमादित्य के नवरत्नों को देख लीजिए। कलाकार के आगे अपनी कला और अपने जीवन को बचाए रखने की बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। इसलिए शास्त्रीय कलाओं के विकास के लिए आपको फिर अपना पूरा लगाना पड़ता है। जिसे मैं कहती हूँ कि एक राक्षस की तरह से होती है कला। जो भी आप चाहे लिखते हो, चाहे आप गाते हो, आपकी जो मूल कला है वो आपको एक, कहा जाए कि आपके शरीर में एक आत्मा की तरह प्रवेश कर जाती है और चाबुक से आपको दौड़ाती रहती है, आप उससे छूट नहीं सकते हैं। तो ऐसे में शास्त्रीय संगीत की पवित्रता की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि कुछ हद तक उसको इलीटिस्ट, ये शब्द भी गलत है, हमारे यहाँ कहेंगे कुलीन बनाया जाए, उसको कुलीन रखा जाए। हमारे यहाँ कुलीन लोग हमेशा अमीर नहीं होते हैं, लेकिन उनमें कुछ संस्कार होते हैं। टीएम कृष्णा की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे यहाँ जो आज शास्त्रीय संगीत की गायकी है वो लगभग पूरी तरह कुलीन तंत्र द्वारा संचालित है, जाति के अर्थों में। माने जो कहा जाए कि 20वीं सदी की शुरुआत या से ही ये चीज 19वीं सदी के अंत तक साफ हो गई थी, और 20वीं सदी की शुरुआत में जब म्यूजिक के स्कूल खुले तो ज्यादातर मराठी ब्राह्मणों ने, या कि बहुत अमीर जो नए पारसी या जो और गुजराती सेठ बंबई में या कलकत्ता में थे, या बहुत बड़े जो संभ्रांत जैसे टैगोर परिवार है, अब हम उनके अवदान को भी नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि वो मर्मी लोग थे, संगीत के पारखी लोग थे, दूर दूर से गुरुओं को बुलाते थे, लोग उनके यहाँ स्वयं भी आते थे और फिर वो उनको संरक्षण देते थे, उनके ही नहीं उनके पूरे परिवार के संरक्षण का प्रबंध करते थे। कुछ भी वो नया लिखते थे तो सराहना और दाद के लिए वो अपने संरक्षकों के पास जाते थे। तो ये चौराहे पर गाने वाला या लोगों के बीच में गाने वाला संगीत नहीं बन सकता था, लेकिन ये सही है कि इसी संगीत की एक उपधारा हमेशा बहती रही, क्योंकि ये संगीत भी तो लोकधर्मी ही है, लोक से ही निकलता है, तो इसकी जो उपधारा थी वो लोकप्रिय बन गई। अब जैसे पारसी लोगों ने पारसी थिएटर शुरू किया, जो कि पहला फाइनेंशियली साउंड थिएटर कहा जा सकता है, बंबई से शुरू हुआ, और वो हालांकि हिंदी नहीं समझते थे, लेकिन उनको ये पकड़ थी कि हिंदी उर्दू के जानकार लिखने वाले भी और सुनने वाले भी और दर्शक भी सब हिंदी पट्टी में है, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी पारसी थिएटर की रचना की, जो कि अपने समय में बड़ा हिट था। इस थिएटर के हर नाटक की शुरुआत ध्रुपद के गायन से होती थी। बड़े बड़े उस्ताद, जिनको कि पैसे की सतत तंगी रहती थी, वो इनसे आकर के जुड़े, उन्होंने इनके लिए गाने लिखे। जब ये शिराजा भी बिखरा तो फिर नौटंकी शुरू हुई। वाजिद अली शाह ने रहस्य लिखवाया अपने लिए अमानत अली खान से, अपने नाच के लिए उन्होंने इंदर सभा नाम का एक म्यूजिकल थिएटर लिखवाया। जब उनका शिराजा बिखरा और वो उनको मटिया बुर्ज में भेज दिया गया, तो आपको रुचि होगी जान के कि कानपुर शहर जो एक इंडस्ट्रियल टाउन अंग्रेजों ने बनाया था, वहां पर पहलवान काफी नामी और पैसे वाले थे, तो पहलवानों ने नौटंकी को संरक्षण दिया और कानपुर में नौटंकी की शुरुआत हुई, जो पूरी तरह से म्यूजिकल थिएटर था। इसमें भी बहुत सारे उस्तादों को और गवनहारियों को और तवायफों को खाने रहने का ठिकाना हो गया, अभी ट्रैवलिंग कंपनीज थी। जब कानपुर में ये हुआ तो दूसरा बड़ा शहर जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड था वो था तालों के लिए मशहूर शहर हाथरस। हाथरस वालों ने अपनी तरह की नौटंकी तैयार की। इनके इतने भी गाने थे दिवाचे, वो दो दो आने में बिकते थे, उससे अतिरिक्त आमदनी होती थी। तो संगीत, नाटक, वाचिक परंपरा, लिखित परंपरा, इन सब का एक अजीब सा पॉपुलर रूप बना, जो कि आज भी देहाती पुस्तक स्टॉलों में जब मिले ठेले होते हैं तो उसमें उनकी पुरानी मिलती हैं, किस्सा तोता मैना या इंदर सभा के किस्से, तो वो सब छपी हुई मिलती हैं। तो ये प्रोटोटाइप्स हैं जो उसके लोकप्रिय रूप हैं। तो जैसे शास्त्रीय संगीत गाते हैं लहर उड़ी, तो उस्ताद कहेंगे चलो आज तुमको इसी पर एक ठुमरी सुना दे, तो ठुमरी, फिर वो कहेंगे कि आज हम ठुमरी अंग से ख्याल गाएंगे। तो अंग क्या है, एक शैली है। तो जो लोकप्रिय शैली हुई वो अंग बन गई। अब पंजाब में कारवां चलते थे, कारवां वाले लचकते हुए ऊंटों पर जाते थे, प्रेमिकाएं पीछे छूट जाती थी, उन्होंने टप्पा गायन मियां शोरी ने शुरू किया, तो टप्पा अपनी हुचकती हुई चाल से चला, बड़ा लोकप्रिय हो गया। इसी तरह से ठुमरी शुरू हुई नाच करके भाव बताने से,
कुछ तो तवायफों की खूबसूरती, कुछ संरक्षकों की हाव भाव और कुछ उसके ठुमकने के अंदाज से लोग उस पर रीझ गए। फिर बनारस में मिर्ज़ापुरी, कजरी, चैती, इसका जोर रहा। प्रभु नारायण सिंह ने तो एक पूरा गांव कोयरी का गांव मैना नाम की गायिका को दे दिया था। तो ये सारे तत्व हैं, आप इसको इलिटिस्ट ने कहना मेरे ख्याल में इसके साथ अन्याय करना है, क्योंकि संगीत को भी बचाना होता है। अगर मैं भी बतौर एक लेखिका मैं अपनी किताब छपाती हूँ तो मैं तो अपने लिए जो बेहतरीन प्रकाशक होगा, जिसे मेरे अक्षरों की, मेरे लेखन की कदर होगी, मैं तो उसी को देना चाहूंगी। बहुत फटेहाली होगी तभी फिर मैं जाकर के किसी थर्ड रेट सस्ते कागज पर छापने वाले, पेपर बैग छापने वाले के पास भागूंगी। तो हर एक कलाकार की इच्छा होती है कि उसका आर्ट जो है, उस जो उसने सारा अपना खून पसीना डाला है, वो प्रॉपरली शोकेस किया जाए, ठीक से डाला जाए। तो इसलिए जो लोक रंजक प्रकार हैं उनकी मैं अवमानना नहीं करती, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है, अब ध्रुपद को क्या कहते हैं, ध्रुव पद गायन, माने वो आप कुछ कर लीजिए टस से मस नहीं होगा, वो अपनी जगह चाक चौबंद है। शास्त्रीय गायन में भी जो सही तरह से जो घराने बने वो विद्या के बल पर बने, वो रिश्तेदारियों के बल पर नहीं बने। मुसलमान उस्तादों के अद्भुत शिष्य, अल्लादिया खान साहब के अद्भुत शिष्य भास्कर बुआ बखले, जो कि ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने हमको सिखाया। इसी तरह से मंजी खां, भुर्जी खां ने कितने शिष्य तैयार किए जो अधिकतर हिंदू और पारसी थे। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां हैं और हम बहुत सामान्यकरण करने लगे हैं। ये मुझे विचलित करता है, मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि शास्त्रीय कलाएं बहुत दुरूह हैं और उनको आप एक एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास जो पढ़ा रहा है उससे कहें कि तुम प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाओ, वो पढ़ा देगा, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों से कहें कि तुम एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकेंगे। ये अंतर है। जी मैडम, जैसा कि हमने कहा, बतकही आपकी है, हमें लगता है कि हम घड़ी ना देखें और लगातार आपकी बतकही इस तरह से चलती रहे। मुझे लगा ही नहीं, पता नहीं चला समय का कि आपने कहाँ किस प्राचीन काल से और किन किन आचार्यों के साथ और इधर आधुनिक काल में फ्रॉयड के साथ भ्रमण करते हुए संगीत की यात्रा कराई। और हमें लगा कि जो समंदर आपके पास ज्ञान का है, संगीत का है, उसमें हम थोड़ी अपनी उंगली डुबो पाए हैं। अवगाहन करने का तो समय इस मौके पे मिल ही नहीं पाया, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। और बल्कि आप इजाज़त दें तो एक वसीम बरेलवी साहब के शेर से हम आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता, तहरीर से मेरी वरना क्या हो नहीं सकता, एक तू है जो लफ्जों में अदा हो नहीं सकता, एक तू है जो लफ्जों में अदा हो नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, आपने इतना समय दिया, हम आपको इस तरह से लगातार तंग करते रहेंगे। आपका और स्पीक में के का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने सुना है वो अपने आप आगे बढ़ करके ये जो थोड़े थोड़े सूत्र बीज मैंने छींटे हैं उनको और आगे संवर्धित करेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।